चित्तौड़गढ़ जिले के भीमगढ़ ग्राम की 21 वर्षीय बेटी हिमलता बैडवा ने उदयपुर में आयोजित राजस्थान स्टेट स्वेत फ्रांस की बॉक्सिंग प्रतियोगिता 2019 में भाग लेकर गोल्ड मेडल हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। बताया गया कि उदयपुर के मेरा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित राजस्थान स्टेट स्वेत प्रतियोगिता में हिमलता ने उदयपुर की प्रतिभागी को हराकर गोल्ड मेडल जीता। इससे पूर्व दो बार चंडीगढ़ में आयोजित इंटरनेशनल स्वेत प्रतियोगिता में हिमलता ने दो सिल्वर मेडल हासिल किए, जिसमें एक बार श्रीलंका की व एक बार फ्रांस की प्रतिभागी को हराया। बताया गया कि स्टेट प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने के बाद हिमलता का चयन नेशनल प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जो अजमेर में 2 से 4 नवंबर को आयोजित होगी। दो बार सिल्वर व एक बार गोल्ड मेडल जीतने का श्रेय हिमलता अपने कोच गुरुदीप सिंह को व अपने पिता उदय लाल एवं मां सोनू देवी को देते हुए बताती है कि मेरे इन मार्गदर्शकों के कारण ही यह संभव हो पाया है। वो लड़कियों को संदेश देते हुए कहती है कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम लड़कियां नहीं कर सकती है। सच्ची लगन व मेहनत से हर काम सफल होता है। हिमलता खेल के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही है। वर्तमान में हिमलता जयपुर गर्ल्स कॉलेज में भी द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही है। खबर आपकी राजस्थान से, आजाद मंसूरी की स्पेशल रिपोर्ट। हेलो गर्ल्स, मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, दो बार इंटरनेशनल खेल के आ चुकी हूँ, उसमें मेरा सिल्वर रहा है। और मैं अपना जो क्रेडिट है, आज जिस लेवल पे हूँ, वो मैं अपने कोच सर गुरदीप सिंह एंड अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। गर्ल्स, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, स्पोर्ट्स में जितने भी गेम है, उसमें एक गेम में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जो अपने अगर अपने हौसले बुलंद हो, तो इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल बनाई जा सकती है। थैंक यू गर्ल्स।